आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी हैं राहुल गांधी से खफा, कहा राहुल गांधी बच्चा है। दिग्विजय ताल ठोककर मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में अब भी मुकाबला रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच, 11 सीटों को लेकर दोनों पर है दबाव। दो लाख का बयान पड़ा नरोत्तम मिश्रा के गले, कांग्रेसी जद हमके नरोत्तम के घर, ये किसान कर्ज माफी के सबूत। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मैं भी चौकीदार के नारे लगवाए और कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, जब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा गया तो इस पर सवाल करना ठीक था क्या? क्या हमारे सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाना सही है? PM ने कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ पर रुद्रपुर की चुनावी सभाओं में कांग्रेस पर निशाना साधा। मिशेल मामा से सर्जिकल स्ट्राइक तक पर कांग्रेस की पोल खोली और कहा, सेना पर सवाल करने वालों को जनता जवाब देगी। PM ने कहा कि उत्तराखंड में चार धाम हैं, लेकिन मैं एक और धाम जोड़ता हूं, वो है सैनिक धाम। इस धरती पर सैन्य अकादमी है और लाखों सैनिक हैं, यहाँ हर दूसरा घर सैनिक का है, इसीलिए सैनिक धाम को मेरा नमन। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब हमारे जवानों की वीरता पर सवाल उठाना सही है क्या? अब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो सवाल करना ठीक था क्या? क्या हमारे सेनाध्यक्ष पर सवाल उठाना सही है क्या? प्रधानमंत्री मोदी बोले कि विरोधी चाहते हैं मैं बालाकोट पर चुप रहूं, लेकिन क्या मैं आतंकियों से डर जाऊं? आपका ये चौकीदार डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं बल्कि डटने वाले हैं। PM ने कहा कि जब पहले आतंकी हमले हुए तो सरकार चुप रही और कोई एक्शन नहीं लिया। सेनाध्यक्ष पर केस कर तख्ता पलट का आरोप लगाया। देश के चौकीदार को आशीर्वाद देने के लिए इतने सारे चौकीदार एक साथ निकल पड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी। आज जब उधम सिंह नगर आया हूं तो क्रांतिवीर उधम सिंह को मैं नमन करता हूं। गुरु नानक देव जी के पग जहां पड़े हैं, ऐसी मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, जिस उत्तराखंड का सपना हम सभी के श्रद्धे रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, वो सपना अब साकार होता दिख रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार पंजाब से आए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए भाई बहनों ने यहां के लोगों के साथ मिलकर काम किया है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। ऐसे ही एकजुट होकर हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, अपने देश को
विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिकों को अपमानित किया जा रहा है। देश में सेना नायकों को अपशब्द बोले जाते हैं। ये उत्तराखंड की धरती वीरों की भूमि है, इसीलिए यहाँ देश के चौकीदार को आशीर्वाद देने के लिए लोग निकल पड़े हैं। पीएम ने यहाँ मैं भी चौकीदार के नारे भी लगवाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कल्चर ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, यहाँ के युवाओं को कांग्रेस ने पलायन करवाया। पीएम ने पूछा कि ऐसे लोगों को 11 अप्रैल को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, तो लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उनकी सरकार पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, ममता ने राहुल गांधी को बच्चा करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, वह सिर्फ एक बच्चा है, मैं इसके बारे में क्या कहूंगी। गौरतलब है कि राज्य में अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान का शुभारंभ करते हुए मालदा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी दोनों पर अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल में कुछ भी नहीं बदला है, राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। इसके बाद ममता बनर्जी कांग्रेस नेताओं से खफासी हो गई और उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा करार दे दिया। पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी किसान के खाते में 2 लाख रुपए आए हों तो मुझसे 2 लाख रुपए और ले जाएं। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इसके बाद कांग्रेस के नेता नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंच गए और उन्हें किसानों की सूची सौंपी जिनके कर्ज माफ कर दिए गए। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद हो गई। बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा किसानों को 2 लाख रुपए दिए जाने की बात सरासर गलत है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर 2 लाख किसी भी किसान के खाते में आए हों तो वो मेरे पास आए और 2 लाख मुझसे भी ले जाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे झूठ बोला जा रहा है। जिन लोगों इनके झूठ बोलने की वजह से 2 लाख रुपए का कर्जा माफी की ये घोषणा थी जो झूठ थी, जो झूठ साबित हुई, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ किसी के खाते में भी अगर 2 लाख रुपए आए होंगे तो मैं 2 लाख रुपए स्वयं दूंगा उसको, वो आए मेरे पास में कर्जा माफी में 2 लाख अगर उसे आए। बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के आते ही कांग्रेस नेता नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जा धमके और कहा कि कांग्रेस सरकार को लेकर अनर्गल प्रलाप बंद करें। कांग्रेस नेताओं ने मिश्रा को वो दस्तावेज भी सौंपे जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस ने कहा अब नरोत्तम मिश्रा उन किसानों को 2-2 लाख रुपए दें। कांग्रेस नेताओं के इस कदम के बाद नरोत्तम मिश्रा की स्थिति देखने लायक थी, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। गोपाल भार्गव पहले निरंतर बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस ने एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं किया, यदि किया हो तो बताएं हम, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने उसी समय उनके घर 2 लाख तक के कर्ज माफी वाले किसानों की सूची भेज दी और उनसे आग्रह किया कि अपनी घोषणा के अनुरूप राजनीति से संन्यास लें, लेकिन उस दिन से वो कर्ज माफी पे मौन है, कुछ भी नहीं बोल रहे, संन्यास ले रहे। नरोत्तम मिश्रा जी जो प्रदेश के कद्दावर नेता है, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस की कर्ज माफी छलावा है और एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, यदि हुआ तो बताएं मैं अपने पास से 2 लाख नगद दूंगा, ये पूर्व में भी दोहरा चुके हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाम को उन्होंने दोहराया। हमने तुरंत किसानों की सूची निकाली, अब किसानों की सूची तो लाखों में थी जिनका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया, लेकिन हमने सोचा नरोत्तम मिश्रा जी विपक्ष में इतनी राशि वहन कहाँ से करेंगे, इतने पैसे कहाँ दे पाएंगे, तो हमने उसको शॉर्ट करा और करीब 150-200 किसानों की सूची लेके सैंपल के तौर पर उनके पास आए और सारे प्रमाण हमने नरोत्तम मिश्रा जी को सौंप के उनसे मांग करी कि अपनी घोषणा के अनुरूप इन किसानों को 2-2 लाख रुपए नगद दें, तब तो आपकी घोषणा पूरी होगी। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमकर राजनीति कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के नेता चाहते हैं किसान उनके साथ आ जाएं। यही वजह है कि हर कोई अपने अपने तरीके से सच और झूठ परोसने में लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया।
देखिए ऐसा है, शिवराज सिंह चौहान अगर मुझसे इतने नाराज हैं तो आइए ना मंच पे आ जाइए, आपके 15 साल मेरे 10 साल हो जाए चर्चा। निश्चित तौर पर मेरे पास मेरा विजिट डॉक्यूमेंट जब आएगा उसमें गैस पीड़ितों के लिए भी उसका उल्लेख रहेगा। और पहला चुनाव मैंने 77 में लड़ा था, अब आखिरी चुनाव में कब लड़ूंगा एक तो समय बताएगा। भोपाल से दिग्विजय सिंह मैदान में हैं, तो इसलिए भोपाल सीट पर अब सबकी नजर है और यहां से रोज किस्म किस्म के बयान, किस्म किस्म की बातें भी हम सबको देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। लोकसभा चुनाव मोदी सरकार के कामकाज और राहुल के चुनावी वादों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच ही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल तो भाजपा का चेहरा रमन सिंह है। विधानसभा चुनाव में इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था। इन्हीं दो नेताओं के नेतृत्व और रणनीति पर कांग्रेस भाजपा ने चुनाव लड़ा। अब लोकसभा चुनाव में यही दोनों चेहरे सामने आमने हैं, भले ही ये प्रत्याशी नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं पर दबाव है कि वे अपने दल को अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर जीत दिलाएं। डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस कारण प्रदेश में भाजपा का वही चेहरा थे। पार्टी ने 2018 का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा। रमन और उनके सूबे के 12 मंत्री चुनाव लड़े थे। रमन के अलावा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पुन्नू लाल मोहले और अजय चंद्राकर अपनी सीट बचाने में सफल रहे, लेकिन 8 मंत्री चुनाव हार गए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जनता में रमन के खिलाफ नहीं बल्कि मंत्रियों और भाजपा के विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी। उसके बाद भी रमन ने हार की जिम्मेदारी ली, उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन प्रदेश भाजपा में अब भी रमन का ही कद बड़ा है। आशीर्वाद लेकर सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नामांकन के लिए आज तैयारी और रैली की तैयारी है, और मैं आया हूँ बेदुराम कश्यप जी के नामांकन के लिए। हमारे विक्रम हुसैन जी, हमारे दिनेश कश्यप जी, केदार कश्यप जी, संतोष जी, भीमा जी और पूरी टीम, जिला के पूरी टीम के साथ आज नामांकन होगा, और माता से आशीर्वाद लिए हैं कि आज शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं तो 11 में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, और मुझे भरोसा है मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, और जो देश में वातावरण बना है देश के मान सम्मान गौरव स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, देश के रक्षा के नाम से देश एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 लोकसभा जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को ही नहीं बल्कि भूपेश सरकार से तुलना करते हुए रमन सरकार के कामों को भी जनता के बीच ब्रांडिंग कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से प्रचार से लेकर चुनाव की भी सभी रणनीति बनाने में भी रमन सिंह की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की बात करें तो कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बघेल पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे।
उन्हें कानूनी मामलों में फंसाकर दबाव बनाने की भी कोशिश हुई। बघेल जेल भी गए लेकिन उन्होंने आक्रामकता नहीं छोड़ी। बघेल ने पहली बार छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर तक कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से खड़ा किया, कार्यकर्ताओं को महत्व देकर उनका उत्साह बढ़ाया। बघेल सरकार के 60 दिन में किए कामों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन बघेल को चौकीदार ज्यादा आकर्षित कर रहा है। भैया दीपक बैज के नामांकन में बस्तर के सारे विधायक, वरिष्ठ नेता, हमारे संगठन के सारे लोग, ब्लॉक से, जिले से सब लोग आए हुए हैं। बड़ी संख्या में हमारे सब कांग्रेस के साथी लोग आए हैं। बहुत उत्साह है बस्तर में। इस समय लाखों मत से बस्तर में चुनाव हम जीतेंगे, ये विश्वास यहाँ के साथियों ने हमको दिलाया है। बघेल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हैं, सहयोग है या क्या कुछ है? वो भी आए हैं चुनाव में, और चौकीदार जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 10-10 चौकीदारों को टिकट काटा है। खुद भी चौकीदारी कर रहे थे लेकिन चुनाव ना अपने बेटे लड़ा रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है। न खुद लड़ रहे हैं न अपने बेटे के लड़ा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सफाया छत्तीसगढ़ से हो चुका है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी की। 90 में से 68 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। अब बघेल पर दबाव है कि वे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बंपर जीत दिलाएं। भाजपा पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 10-10 सीटें जीतती आ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में महज 15 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में रमन के लिए फिर से 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताने की चुनौती है। राजधानी भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा के बाद से ही भोपाल में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। जहां एक और बीजेपी दिग्विजय को कोई चुनौती मानने से इनकार करती आ रही है, वहीं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि जब से भोपाल से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी बेहोशी की हालत में है, बीजेपी सदमे से उबर नहीं पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भोपाल सीट से लड़ने की घोषणा के बाद भोपाल संसदीय सीट अब चर्चा का केंद्र बन गई है। लगभग 3 दशक से बीजेपी की सीट माने जाने वाली भोपाल में बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं की है। वहीं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने भोपाल का प्रत्याशी बनाया है, तब से बीजेपी बेहोशी की हालत में है। वास्तव में ये सच्चाई है, जब से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, उस समय से बीजेपी पूरी कॉलप्स की स्थिति में है, बेहोश पड़ी है। अभी तक बीजेपी जी नहीं सदमे से उभर पा रही है कि आखिर क्या करें, क्या विचार करें। नए नए नाम चलाती है, फिर बदलाव आता है, और उन्होंने पूरी तरह से अपने बेचैनी घबराहट उजागर कर दी है कि हम इस सीट पर जीतने लायक नहीं है, तो अलग अलग से प्रत्याशियों के नाम लेके आयत करने का काम कर रही है। सहकारिता मंत्री ने कहा, बीजेपी नए नए नाम चलाती है, फिर बदलाव आता है, बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि किसका नाम सामने आए। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी समझ गई है कि वह भोपाल सीट हारने वाली है, इसीलिए बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सत्ता का फाइनल है, इसलिए तरह तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के मंदिर मंदिर चक्कर लगाने पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि यदि वो हिंदू हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थन में खड़े क्यों नहीं होते। भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह कांग्रेस उम्मीदवार क्या बने, वे खुद और उनके समर्थक उन्हें बड़ा हिंदू बताने में लगे हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि यदि वो हिंदू हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थन में क्यों खड़े नहीं होते। उन्होंने कहा, कांग्रेस डुलमुल हिंदू है, मौका आने पर जनेऊ भी पहन लेती है। अगर कोई जगत गुरु शंकराचार्य का है, स्वरूपानंद जी महाराज के हिंदू हैं, तो हिंदू तो और राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करता है, सच्चा हिंदू जो होता है। तो अब दिग्विजय सिंह जी ने कभी समर्थन किया सच्चे हिंदू के नाम पे? और वो तो रघुवंश के खानदान के राघोगढ़ उनके घर स्टेट का नाम था, तो बाबूलाल गौर ने कहा कि आरिफ अकील कौन होते हैं दिग्विजय सिंह को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले। उन्होंने कहा, ये सिर्फ चुनाव आते हैं तब वोट के लिए मंदिर जाते हैं। ये तो थी राजनीति की खबर। अब एक ऐसी खबर जिसको देखने के बाद यकीनन आपके मन में रेलवे के कर्मचारियों के प्रति थोड़ा सा सम्मान जरूर जागृत होगा। भोपाल से इटारसी जा रही उद्योग नगरी एक्सप्रेस को बदमाशों ने चिन पुलिंग करके रोक लिया।
इस कारण ट्रेन एक ब्रिज पर जाकर खड़ी हो गई। जिस कोच से चैन पुलिंग की गई वह कोच भी ब्रिज के बीचों बीच था। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व गार्ड के सामने कोच में की गई चैन पुलिंग को रिसेट करने की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेलवे स्टाफ ने जान की बाजी लगाकर इस काम को अंजाम दिया। किसी ने इस सब का वीडियो बना लिया और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और रेल कर्मचारी को लोग सैल्यूट कर रहे हैं। बदमाश अपना काम कर चुके थे, अब बारी रेलवे स्टाफ की थी। चैन पुलिंग की वजह से उद्योग नगरी एक्सप्रेस ब्रिज पर अटक गई थी। कोच में की गई चैन पुलिंग को रिसेट करना था। ये काम जोखिम भरा था। ये हुए बिना ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि कोच तक पहुंचने के लिए ब्रिज पर लटक कर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। इस काम के लिए सहायक लोको पायलट जगदीश चौरे ने हिम्मत दिखाई और वह ब्रिज पर लटक कर चैन पुलिंग वाले कोच तक पहुंचा और चैन पुलिंग रिसेट करके ट्रेन आगे बढ़ाई। हबीबगंज से इटारसी के बीच यह घटना पवारखेड़ा के पास की गई है। बदमाशों ने इटारसी स्टेशन से पहले उतरने के लिए ट्रेन को रोका था। इटारसी स्टेशन के पहले कोच S12 से अज्ञात बदमाशों ने चैन पुलिंग कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने वीडियो बना लिया। अब हर तरफ लोको पायलट जगदीश चौरे के साहस की तारीफ हो रही है। ऐसे ही लोगों के लिए शब्द बना है जांबाज, जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं सिर्फ अपने फर्ज को निभाने के लिए। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देवास से कुछ एक्सीडेंट की खबरें हैं। देवास भोपाल रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरते ही कार में आग लग गई और कार में सवार दो लोग घायल हो गए। वहीं कन्नौज के पास घाट पर एक बस पलट गई, जिस कारण 30 लोग जख्मी हो गए। इन दोनों ही हादसों के पीछे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। भोपाल रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा कर रोड के नीचे गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार राजू प्रभुदास और संजय घायल हो गए। ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। हादसे में कार चालक को कोई चोट नहीं आई। घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। उधर देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। नगर निगम की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देवास की BNP पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवास जिले के कन्नौज के समीप जंजाल खेड़ी घाट पर भी एक तेज गति से आ रही बस पलट गई। इस दुर्घटना में करीब 30 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुप्ता ट्रेवल्स की बस आष्टा से कन्नौज जा रही थी। बस की गति ज्यादा थी, इसीलिए घाट पर ड्राइवर का नियंत्रण बस पर नहीं रहा और हादसा हो गया। मौके पर पहुंची 100 डायल ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कन्नौज सिविल अस्पताल पहुंचाया। खबर छत्तीसगढ़ से है। सुकमा में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर काम कर रही बस्तर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पुलिस की सोशल कैंपेनिंग से प्रभावित होकर 10 नक्सलवादियों ने कोंटा थाने में आत्मसमर्पण किया है। इन सभी नक्सलवादियों ने समाज के मुख्य धारा से जुड़कर आगे की जिंदगी जीने की मंशा पुलिस के सामने जाहिर की। कोंटा थाना पहुंचकर 10 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये सभी माओवादी बेलेंगतोंगके इलाके के रहने वाले थे और लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में संलग्न थे। इनमें से सभी नक्सली
बस में आगजनी, बम इम्प्लांट और बम ब्लास्ट जैसे कई संगीन मामलों में शामिल रहे हैं। सभी नक्सलियों ने कोंटा थाना प्रभारी शरद सिंह और सीआरपीएफ की 217वीं बटालियन के कमांडेंट आनंद जरई के सामने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार भी जमा किए। आज कोंटा थाना में ग्राम बालिंग तुंग से 10 माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण करने आए हैं, जो सीआरपीएफ 217 के सीओ और मेरे समक्ष आज सरेंडर किया। ये विभिन्न माओवादी विभिन्न विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, सक्रिय रूप से कार्यरत थे। ये नक्सली घटना सरवेला में बस जलाना, पैगा में गाड़ी में आगजनी, बम लगाने जैसे कई गंभीर अपराधों में संलिप्त थे। अब इस तरह इनका सरेंडर गांव में पूरी तरह से लोग सरेंडर कर रहे हैं और बालिंगतोंग गांव में आज के दिनांक पर नक्सल मुक्त गांव घोषित हो चुका है। कोंटा के थाना प्रभारी शरद सिंह ने बताया कि नक्सल उन्मूलन नीति के तहत जमीनी स्तर पर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नक्सलियों की शोषणकारी नीति से लोगों का मोह भंग हो रहा है और नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मन बना रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। फोर्स का दबाव और सरकार की अच्छी नीति नक्सलियों को मुख्य धारा तक ला सकती है और कई बार देखा गया है कि नक्सलवादी खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, इस कारण भी नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राजधानी भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा के बाद से ही भोपाल में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। जहां एक और बीजेपी दिग्विजय को कोई चुनौती मानने से इनकार करती आ रही है, वहीं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि जब से भोपाल से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी बेहोशी की हालत में है, बीजेपी सदमे से उबर नहीं पा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कवर्धा में विस्फोटक से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। नक्सली मामले में संवेदनशील कुकदूर थाना क्षेत्र में पकड़े गए इस ट्रक में 8 टन विस्फोटक था। विस्फोटक नक्सली मामलों से जुड़ा है या नहीं, इस बात की तस्दीक की जा रही है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुकदूर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पंडरिया की ओर से आ रहे ट्रक में विस्फोटक सामग्री मिली। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के विस्फोटक सामग्री का परिवहन करना पाए जाने पर थाना कुकदूर में अपराध दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुभी के करेरा में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। टेंट व्यवसायी की दुकान में भीषण आग लगने की वजह से दुकान के गुदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शिवपुरी जिले के करेरा में टेंट व्यवसायी की दुकान को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग सुबह 5:30 बजे लगी और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर की एक परिवार रहता है। आग लगने के बाद धुआं ऊपर तक फैल गया था। वहां मौजूद लोगों ने इस बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते दुकान राख में तब्दील हो गई। आग फैलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उर्मिला इस लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई की सीट से किस्मत आजमाना चाहती है। उर्मिला ने बुधवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली।
अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर उत्तर मुंबई की सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस कारण वे पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस के संपर्क में थी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के जरिए उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने की बात आगे बढ़ाई और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस सदस्यता लेने के बाद उर्मिला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रही हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पर टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई। उर्मिला ने कहा कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ की बुनियाद महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसी हस्तियों के विचारों पर बनी है। हालांकि मैं मनोरंजन की दुनिया में चली गई लेकिन मेरे विचार शुरू से समाज को लेकर अलग थे। बचपन से ही मेरे विचार राजनीतिक रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में है लेकिन हम जाएं उससे पहले आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे बहरीन समाचार। नमस्कार, बहरीन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और आज तो भैया बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह मियाँ जरा रसगुल्ले वगैरह खिलाओ सबको। हाँ, अरे भैया हमने क्या हुआ, अंतरिक्ष में इतनी ताकत पैदा कर ली है, ऐसी बेटी बेटी मिसाइल जाएगी दुश्मन का सेटेलाइट को खत्म कर सकती है। ये ताकत पहली बार आई अपने यहाँ और बता रहा हूँ ये दुनिया में अपना चौथा नंबर आ गया है। अमेरिका, उसके बाद रशिया, रशिया के बाद चाइना और फिर अपन इंडिया। इस पे पाकिस्तान बोल के ऐसे बोन बना गया, बता रहे हैं भिड़बड़ा रहा है, इसको ऐसे घबराहट होने लगती है। यानी क्या, अरे तेरे ऊपर डालना है कि भैया, और मैं बता रहा हूँ कि भैया ये भुनभुना रहा है ये तो ठीक है, इसको भुनभुनाने से यहाँ के विपक्षी दल क्यों भुनभुनाने लगती है। अरे ये देश के गौरव की बात है, अपने सम्मान की बात है, कभी तो तारीफ करो। मैं बता रही हूँ हो क्या जाता है, वो ममता बनर्जी और ये मायावती कह रही है आचार संहिता का उल्लंघन। अरे मैं कह रहा हूँ अगर तुम प्रधानमंत्री होती तो तुम भी करती ना, कौन ऐलान करता, देश का जो मुखिया होगा वही तो ऐलान करेगा ना, और फिर जो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो तो बैठे ही साथ में, वो तो कर ही रहे हैं। ये DRDO के पूर्व चीफ हैं सारस्वत जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने है ना पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन ये उस समय ये प्रधानमंत्री अपनी मनमोहन सिंह जी उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं, तो ये वो तो पहले ही हो जाता, ये धमाका बता रही हूँ। अब कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए, तैयारी पहले चल रही थी ना, उसमें क्या है, लेकिन उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए ना भैया ऑर्डर देने के लिए, तो दे दिया इनने, इसमें तकलीफ आएगी, ये अच्छी बात है। हाँ, और राहुल गांधी ने भैया मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे पे है ना बधाई भेजी है, और मैं कह रहा हूँ इस समय इंडिया में दो बड़े एक्टर हैं, इनसे बड़ा कोई एक्टर है नहीं, एक तो राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। और भैया राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन कोई है क्या इस समय, और नरेंद्र मोदी भैया एग्रेशन वाले एक्टर हैं दोनों, ये बधाई दी है तो बड़ा अच्छा काम किया, मोदी जी को भी इनको बधाई देना चाहिए, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, और मैं बता रहा हूँ जब से ये राफेल का चक्कर चलाए नहीं आकाश में, तब से है ना ये मोदी जी है ना एयर स्ट्राइक ही कर रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं, पहले एयर स्ट्राइक कर दिया, अभी सैटेलाइट करवा दिया, तो बता रही हूँ ये मत छेड़ो, ये हवा में चलता रहेगा मामला। और ये रघुराम राजन है जो पूर्व गवर्नर है ना RBI की, ये कह रहे हैं कांग्रेस की जो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं, और मैं तो अंदर की बात समझ लेता हूँ, इनका भी मन कर रही है चुनाव ना लड़ने का, बता रही हूँ ये पार्टी वार्टी में आने वाले। हाँ, और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बायोपिक बन रही है, ये PM नरेंद्र मोदी, बता रही हूँ ये और एक स्ट्राइक ये और होने वाली है, अभी देखो विपक्षी दल की चिल्लाते हैं। हाँ, और भैया कांग्रेस जी बहुत परेशान थे, सपना चौधरी ने मना कर दिया आने से, और मैं बता रहा हूँ उनके लिए खुशी हो गई कल, और मेरा मातोंडकर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अब उनके भी लड़के झड़के देख लो भैया, तुम खुश हो जाओ, उसमें क्या है, याही रे जो लगे नाची रे वो जे रंगीला, ये सब गाएं, और मेरा भी मन हो रहा है भाई नाचने गाने का, मैं भी जा रहा हूँ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।